नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कटनी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा सरकारी अस्पताल में मुफ्त सुरक्षित प्रसव सेवा के बदले लूट जारी है। मरीज कमजोर हो रहा है, डॉक्टर मजबूत। ये मामला मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरही में प्रसव कराने आई पीड़िता रूबी पटेल ने मीडिया को आप बीती सुनाई। मुझसे डॉक्टर राममणि पटेल, जो बरही बीएमओ पद पर पदस्थ हैं, वे सभी डिलीवरी वाली प्रसूताओं के प्रसव उपरांत छुट्टी के समय फाइल अपने बंगले ले जाते हैं। मरीजों के माइंड वॉश में शामिल है नौकर कर्मचारी। सूत्रों की माने तो डॉक्टर राममणि पटेल, उनकी डॉक्टर पत्नी और नौकर सहित अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा मरीज के परिजनों को बहुत भयभीत कर माइंड वॉश कर दवाइयां लेने का दबाव बनाया जाता है और खून की कमी और कमजोरी की दवा इंजेक्शन के एवज में 3 से 5 हजार तक वसूले जाते हैं और पैसे मिलने के बाद बंगले से महिलाओं की छुट्टी देते हैं। मतलब एक महिला से 3 से 5 हजार रुपए तक ऐंठ लेते हैं, तब जाकर छुट्टी देते हैं। जो मरीज उनके यहाँ से दवाई नहीं लेते उनको छुट्टी नहीं देते। मरीजों का कहना है, गरीब लोग हैं साहब, हमारे पास पैसा नहीं है, हम दवाई नहीं ले पाएंगे, जो भी दवाई आपके बरही अस्पताल में है उसे ही आप हमें दे दे। वहीं शासन के डॉक्टर्स को पहले भी इस संबंध में निर्देश है कि अस्पताल में उपलब्ध दवाई ही मरीजों को लिखे। उन्होंने कहा, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स द्वारा बाहर से दवा खरीदने या ब्रांडेड दवा लिखने पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर्स को पर्चे पर दवा के साथ उसका सॉल्ट भी लिखना होगा, पर ये पैसे कमाने के जुनून सवार डॉक्टर पिघलने वाले साहब नहीं है। इस लूट कंपनी को अपना जेब भरना है, लोगों से क्या लेना देना। मरीज को इतना मजबूर कर दिया जाता है, चाहे जो बेचकर पैसे दो, छुट्टी लेना है तो लो, पैसा तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो 2 दिन और अस्पताल में रुकना पड़ेगा या फिर कटनी रेफर कर दिया जाता है। लोगों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल की डिलीवरी वाली प्रसूता की छुट्टी बंगले से दिए जाने की जरूरत है। डॉक्टर राममणि पटेल अपने बंगले में चल रही क्लिनिक में ले जाकर छुट्टी देने का क्या उचित है, जबकि छुट्टी अस्पताल से होनी चाहिए, फिर छुट्टी का कागज बंगले ले जाकर डॉक्टर साहब चक्कर कटवाते रहते हैं। छुट्टी के कागज इनको घर लेके जाने की क्या जरूरत है। इसी तरह कोटेश्वर की रिंकी केवट ने भी अपनी आपबीती सुनाई कि हमें 5 हजार रुपए की दवाई बोल रहे थे, बड़ी आरजू मन्नत हाथ जोड़ने के बाद डॉक्टर साहब ने मेहरबानी दिखाते हुए 3 हजार रुपए की दवाई दी। सूत्रों से जानकारी निकल कर आ रही है, यदि कोई पेशेंट आवाज उठाना चाहता है तो डॉक्टर साहब आशा कार्यकर्ताओं से दबाव दिलाते हैं ताकि इनकी शिकायत भी कोई ना कर सके। अगर शिकायत करने की कोशिश की तो आशा कार्यकर्ताओं को उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। ग्लोबल इंडिया टीम इस बात की पड़ताल करते हुए आयुष मंत्रालय और जिला प्रशासन से मांग करता है कि ऐसे डॉक्टर्स और लूट कंपनी के विरुद्ध जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए कटनी से जिला ब्यूरो राजेश केवट की खास रिपोर्ट। अभी तो मना कर रहे थे ना कि मतलब कितने की दवाई दे रहे थे? 3 हजार। अच्छा, 2-3 हजार की दवाई। हाँ, फिर कौन कौन कौन? राममणि सर। हाँ, फिर हम बोले हम ना ले पाएंगे तो भाई कहे हाँ भाई हम छुट्टी ना देंगे तो रुको आज रात कराओ। अच्छा, फिर आप बोले आप फिर भाई हम ना रुकेंगे कम से कम 1200 रुपये आएंगे। 1200 की दवाई दी है? हाँ, पहले पहले 4 हजार की दे रहे थे। हाँ, पहले 4 हजार बोले, 4 हजार की दवाई नहीं लोगे छुट्टी नहीं होगी। हाँ, छुट्टी नहीं होगी आज रात कराओ। पैसा नहीं देते आप लोग तो छुट्टी नहीं देते, और छुट्टी पैसा दिए, पैसा यदि आप लोग दे देते हैं तो दूसरे दिन छुट्टी कर देते हैं। पहले बोलते इतने की दवाई दो, हम बोले हम ना ले तो बोलते छुट्टी ना देंगे जब दवाई ना दोगे। अच्छा, ये मेकअप और छुट्टी कहाँ से देते हैं? घर से, घर जाना पड़ता है, घर से उनकी दवाई लानी। अच्छा, इस अस्पताल छुट्टी नहीं करते? ठीक है, जो भी दवाइयाँ होगी तो अस्पताल से ही मिलेंगी, बाहर से एक भी दवाई डॉक्टरों को नहीं लिखना है, उसके बाद भी लिख रहे हैं। तीन लेडीज वहीं से जाके दवाई लानी। अच्छा, डिलीवरी हुई है। अच्छा, तो सब लोगों को यही हाल था, सब लोगों को। हमारा कहना था कि हम नहीं जाएंगे, फिर अब मजबूरन जाना पड़ा, क्योंकि घर में कोई नहीं, हमारे बच्चा है एक। अच्छा, कोई है नहीं घर पे, घर पे कोई होगा तो अब जाना पड़ा कि यहाँ पे कोई ना रह पाएगा, हम अकेले बचेंगे। अच्छा अच्छा, सब लोग कितने की दवाई लिखते हैं? वो 5 हजार की लिख रहे थे, लेकिन हम 5 हजार की नहीं ले बोले थे, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, फिर 1200 की दिए। 5 हजार की दवाई लिख रहे थे? नहीं पूछे आप किस कारण लिख रहे 5 हजार की दवाई। मैं भी बोले कि हमारे पास हम तो स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, हम मरेंगे जिएंगे वो हमारी प्रॉब्लम। हाँ, तो फिर नहीं कुछ नहीं बोले, वो बस बोले कि हो गया तो 2 दिन रुको। फिर बोले कि हो गया 2 दिन नहीं रुक पाएंगे हम, तो फिर 1200 के लिए दवाई। क्या नाम है आपका? ठीक है, जिला कौन सा है? कटनी। थाना क्या लगता है? बरही जी। क्या समस्या जा रही है आपको यहाँ पे, बताइए। बताया जा रहा है कि कुछ
छुट्टी को लेकर के छुट्टी नहीं दे भाई, दवाई ना देहा। अच्छा छुट्टी नहीं देते हैं, क्या क्या कहते हो? बोल रहे थे दवाई लेना पड़ेगा तो छुट्टी दे। तो दवाई आप लोग नहीं बोलते कि जो भी दवाई हॉस्पिटल में गवर्नमेंट में वो दवाई हमको दीजिए, क्यों हमसे हमको बाहर से दवाई आप देते हैं? क्या फ्री में दवाइयाँ देती है वो घर से? 3,000 रुपए ले लिए हैं। अच्छा 3,000 रुपए की दवाई आपको दिए? खाली एक बॉटल। एक बॉटल चढ़ाए हैं? कितनी बॉटल चढ़ाए? अच्छा और 3,000 रुपए की दवाई दिए हैं। यदि 3,000 रुपए की आप दवाई उनसे नहीं खरीदते हैं तो छुट्टी नहीं देते। कितना दिन रखते हैं फिर? नहीं, 2 दिन 3 दिन। अच्छा मतलब उनको पैसा मिला तो पेशेंट जो है तो ठीक ठाक हो गया, पेशेंट को उनको पैसा नहीं मिला तो पेशेंट ठीक ठाक नहीं है। क्या नाम है आपका? रिंकी। केवट कहाँ से हैं? कुटेसर। थाना क्या लगता है आपका? बरी। जिला क्या है? अच्छा कौन डॉक्टर साहब 3,000 रुपए की दवाई लिखते हैं 5,000 की?